चैनल आपका पुनः स्वागत करता है। रायपुर छत्तीसगढ़ से मैं स्वयं रिकी अरोड़ा, मतदाता जागृति मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नंद कुमार बघेल जी व उनके साथ में उड़ीसा प्रदेश की महिला अध्यक्ष श्रीमती सोनल हमारे बीच मौजूद हैं। और बाबूजी बताएं, यह कोसा से संबंधित जो आप इस प्लांट में हैं, किस प्रकार की आपने एक नई योजना बनाई है और कोसा सिल्क से संबंधित कैसी जय भीम के चैनल के द्वारा इस संदेश को देना चाहते हैं? मैंने सोनम अरोड़ा को उड़ीसा का मतदाता जागृति मंच का अध्यक्ष बनाया हूँ। इसलिए बनाया हूँ कि नवीन पटनायक और बीजेपी के राज में पूरा उड़ीसा गरीबी झेल रहा है और हम ये चाहते हैं कि सोनम अरोड़ा को जो राष्ट्रीय मतदाता जागृति मंच के उड़ीसा के अध्यक्ष हैं, वो कोसा उद्योग को खड़ा करके और भूपेश बघेल के मार्गदर्शन में वो काम करेगी। और यहाँ मैं डीएस कसारे जी के सहयोग से कोसा सिल्क प्लांट का वहाँ पे भव्य रूप से इस प्लांट को डालना चाहूँगी। मैं बाबूजी के साथ भूपेश बघेल जी के मार्गदर्शन से इस सिल्क प्लांट को, कोसा सिल्क प्लांट को वहाँ उड़ीसा में हमारे छत्तीसगढ़ में रौली जो है सबसे अच्छा धागा हमारा इंडिया में टसर के कोसा जो बोलते हैं अपन बस्तर में होते, वो है सबसे मुख्य रूप से होते टसर में, डाबा सेकंड पोजीशन पे है, रौली एक नंबर में होते। मलबरी मुख्य रूप से नॉर्थ ईस्ट में पाए जाते, टसर हमारे मध्य भारत छत्तीसगढ़ झारखंड उड़ीसा महाराष्ट्र मध्य प्रदेश और एरी और मूंगा नॉर्थ ईस्ट में मिलते हैं। वो एरी के उत्पादन ये मुख्य रूप से अहिंसा सिल्क कहा जाता है, ये कोई प्रकार के बॉडी में कोई न खुजलावे न गुदगुदावे न बहुत स्मूथ रथे का धागा, बनाए में कोई तकलीफ नहीं, न रंगाई में तकलीफ है न बनाए में कोई तकलीफ है, सबसे आसान बढ़िया। लोकसभा में हम इसको फैलाएंगे। तो क्या आप छत्तीसगढ़ के अलावा पूरे भारतवर्ष में या पूरे हिंदुस्तान में इसे फैलाना चाहेंगे माननीय बघेल जी? जी, क्योंकि यह उद्योग भारत में बहुत अच्छे से चल सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सस्ता मजदूर है और उनकी मजदूरी यदि बढ़ा दी जाए तो यह इस उद्योग के लिए कोई लेबर प्रॉब्लम नहीं होगा और हमारी समृद्धि बढ़ेगा। कि कोसा उद्योग को एग्रीकल्चर उद्योग नहीं माना जाता और जिसको मंत्रिमंडल में पास किया जाएगा और मंत्रिमंडल यदि पास कर देगा तो अपेक्स बैंक इनको कोसा उद्योग के लिए पैसा देंगे और धमतरी में करीब 200 एकड़ में किसान लोग कोसा उद्योग के लिए अंडी जो आसाम से उसका बीज आ रहा है उसको करेंगे और इससे बड़ा लाभ ये होगा कि 10,000 किसानों को हर साल लाभ होगा और 10,000 किसान 50,000 रुपये प्रति एकड़ कमाएंगे।